हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक के मेला ग्राउंड पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए कि पीएम मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच गए हैं। हालांकि मंच के सामने की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि मंच के सामने जो कुल 5 पंडाल बनाए गए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ बीच का एक पंडाल जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनाया गया है सिर्फ वही लोगों से पूरी तरीके से भर पाया है, और बाकी जो 4 पंडाल हैं उनमें से 2 पंडाल में कुर्सियां पूरी तरीके से खाली हैं। दूसरे और चौथे पंडाल में जो कुर्सियां हैं वो आधी भर पाई हैं, लेकिन कुर्सियां वहां भी खाली नजर आएंगी। आप देखिए कि इस वक्त हम 5वें नंबर के पंडाल में मौजूद हैं और इस पंडाल में कुर्सियां आपको सिर्फ खाली नजर आएंगी। जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ कुर्सियां नजर आ रही हैं जो कि खाली हैं। इस पंडाल की कैपेसिटी 1 लाख तक की बताई गई, बताया गया कि 1 लाख लोग इस पंडाल में बैठ सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तमाम मेहनत के बावजूद हरियाणा बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस रैली को सफल बनाने के लिए, लेकिन ये जो खाली कुर्सियां हैं ये बीजेपी को आईना दिखा रही हैं। उनके लिए चिंतन और मनन का ये विषय है कि इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर ये कुर्सियां खाली क्यों रह गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत ही अहम रैली है इस राज्य में बीजेपी को वापस से सत्ता में लाने के लिए। जिस तरीके से 75+ का नारा दिया जा रहा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में ये खाली कुर्सियां बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें पैदा करने वाली हैं।